नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 मई को वित्त मंत्रालय द्वारा जो है 75 रुपये का 75 रुपये का नया सिक्का जारी किया गया है। और दोस्तों ये सिक्का जो है वो इसीलिए जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन का जो नया प्रमाइसिस है उसका इनॉग्रेशन किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज जानते हैं कि स्पेशल क्वाइन क्या होते हैं, ये खास तरह के सिक्के क्या होते हैं, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं और इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इनको खरीद सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप नाम से ही विदित होता है, नाम से ही आपको जान पड़ता है कि स्पेशल क्वाइन जो है वो विशेष तरह के सिक्के होते हैं। ये महत्वपूर्ण घटनाओं और किसी महत्वपूर्ण जन्म मृत्यु की जो वर्षगांठ होती है और जो प्रतिष्ठित स्मारक होते हैं, जो प्रतिष्ठित मौके होते हैं, उनको सम्मान करने के लिए जो है स्पेशल क्वाइन जो है वो छापे जाते हैं। और दोस्तों ये स्पेशल क्वाइन जो है वो लीगल टेंडर नहीं होते हैं। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अन्य सिक्कों की तरह, अन्य नोट्स की तरह जो है, अन्य रुपयों की तरह आप इनको बाजार में नहीं चला सकते, इनका संचालन नहीं कर सकते। दोस्तों इनका डिजाइन जो है वो बहुत अद्भुत होता है, अद्वितीय डिजाइन होता है। दोस्तों ये कहां खरीदे जा सकते हैं? दोस्तों इसको खरीदने के लिए आपको एक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, एक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है SPMCIL, यानी कि इनका जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इस वेबसाइट पर जाके जो है आपको ऑनलाइन इन सिक्कों का ऑर्डर करना होगा। ऑनलाइन सिक्के जैसे कि 75 रुपये का, 100 रुपये का और 150 रुपये का, 250 रुपये का या अन्य किसी वैल्यू का सिक्का जो है आप जो है SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर मंगवा सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको 3 से 6 महीने का जो है इंतजार करना सकता है। दोस्तों इन सिक्कों की जो वैल्यू होती है, इन पर जो अंकित मूल्य होता है दोस्तों, उसकी वैल्यू जो है वो और होती है। कहने का मतलब ये होता है कि 75 रुपये का सिक्का आप जब इस वेबसाइट पर खरीदने के लिए जाओगे तो उसकी वैल्यू 75 नहीं रहेगी, ज्यादा रहेगी। जैसे कि राजा राम मोहन राय की 250वीं जब वर्षगांठ थी, जयंती थी, तो दोस्तों 250 रुपये का सिक्का जारी किया गया था और उसकी कीमत रखी गई है 3410 रुपये। और दोस्तों जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर जो है 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है और उसकी वैल्यू रखी गई 4243 रुपये। और दोस्तों ऐसे ही कूका आंदोलन के 150 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया जिसकी वैल्यू रखी गई 10735 रुपये। और दोस्तों ये लीगल टेंडर नहीं होते, ये सीमित मात्रा में छपते हैं, इसीलिए इनकी जो है कीमत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की सरकारी टकसाल में जो है ये क्वाइन जो है उनकी प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है। दोस्तों अभी जो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया ये इसीलिए महंगे होते हैं कि एक तो ये सिक्के जो है स्पेशल क्वाइन होते हैं और दोस्तों ये सीमित मात्रा में छपते हैं और किसी विशेष जो है मौके पर ये छपते हैं। दोस्तों इस 75 रुपये के सिक्के में जो है 50% चांदी और 40% जो है वो तांबा और 5% जो है निकल और 5% जस्ता जो है मिलाया गया है। तो दोस्तों इसीलिए जो है इनकी कीमत ज़्यादा होती है। और दोस्तों ये लीगल टेंडर नहीं होते, SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर आप इन सिक्कों को खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये नया टॉपिक जो है आपको अच्छा लगा होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम विताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम विताय नमः। राम राम भाइयों।